हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ डिजी मेंटो में। और यहाँ हम हिंदी के कुछ शब्द डिस्कस करेंगे, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के बारे में, पीजीटी केवीएस के लिए। और ये देखिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए, और कुछ ऐसे वर्ड्स मैं लेकर के आया हूँ फिर से, जिसमें आप अगर समझ लेंगे, इनको याद कर लेंगे, तो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं गारंटी कर सकता हूँ काफ़ी सारे वर्ड्स, काफ़ी सारे तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ नंबर के क्वेश्चन इसमें से आने तय है लगभग, क्योंकि हर साल ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डीजी मेंटो चैनल को, क्योंकि उसी के बाद आप इजीली फ्री वीडियोस पा सकेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, शब्द है पर्यायवाची शब्द, ठीक है, सिनोनिम्स जिसको हम बोलते हैं, और इनको हम आराम से जानते हैं। तो देखिए, जिन शब्दों से एक सा अर्थ प्रकट होता है, ठीक, यहाँ पर देखिए लिखा है कि जिन शब्दों से एक सा अर्थ प्रकट होता है वे पर्यायवाची कहलाते हैं। अब शब्द होंगे, उसके कई अर्थ होंगे, तो उसी प्रकार से देखते हैं कि किस किन किन शब्दों क्या क्या अर्थ बनते हैं। तो पहले जैसे शब्द है अग्नि, अग्नि को हम आग भी बोलते हैं, ठीक, आग, अनल, बहिर, वाहक या फिर पाहक, सॉरी मैं उसको वाहक बोल गया, पाहक, दहन, हुताशन, दव, कृशाणु, ठीक। तो अग्नि के सारे शब्द हैं। अब जो नॉर्मल शब्द है आग, ठीक है, दहन, दव, तो ये शब्द तो नॉर्मली आप जानते ही हैं। तो खास तौर पर मैं शब्द जो यूज़ किया गया है, तो बहिर, ठीक है, पावक, हुताशन और कृष्णु, ये शब्द आप अच्छे तरह दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इन शब्दों के बिहाफ पर ही वो क्वेश्चन सेट करके आपसे पूछ लेंगे, ठीक। अगला शब्द है इसमें अमृत। अमृत को आप क्या बोलते हो भाई? सोम, आप सब जानते हो कि अमृत का शब्द होता है सोम, सुधा भी होता है। एक शब्द है पीयूष, अमी और अमी है, ये शब्द भी अंग्रेज और अमृत के पर्यायवाची हैं। आग का पर्यायवाची कौन सा है? लोचन। देखिए, इसमें आप लोग क्या क्या जानते हो? नेत्र, ये सब कॉमन शब्द है, नेत्र आप सब जानते हो, नयन आप जानते हो, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि दृग भी आग का ही शब्द है लोचन की तरह। चक्षु आप सब जानते होंगे, अक्षी आप नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता सब नहीं जानते, ठीक है। एक है चरव। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जो खास शब्द ऐसे हैं जिनको देख कर नहीं लगता कि हाँ भाई ये शब्द हो सकते हैं, तो वो उन्हीं में से ज़्यादातर पूछते हैं। अब शब्द अगला आनंद। आनंद को आप देखिए बोलते हैं चैन, ठीक है। अब चैन का हालांकि आनंद से कोई दूसरे लेना, लेकिन चैन, जब आपको चैन मिलता है तो आपको आनंद आता है कि हाँ भाई खुशी शब्द है इसका, प्रसन्नता इसका शब्द है, प्रसन्नता, ठीक। आह्लाद इसका शब्द है, उल्लास, हर्षोल्लास कहते हैं, हर्ष उल्लास, कई चीज़ शब्दों से बन जाती हैं, हर्षोल्लास, आमोद, प्रमोद, हर्ष है ही, ठीक है। अगला शब्द है हमारे पास इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से है? देखिए, देवराज आप जानते हो, देवों के राज, देवराज इंद्र, मघवा आप ना मेघ, वर्षा के लिए बुलाते हैं, तो वर्षा किससे बनते हैं? मेघ से, मेघ यानी कि बादल, तो मघवा भी उनको बोलते हैं। पुरहुत, ठीक है, सुरपति, चछीपति, महेंद्र, वासव, ये सभी के सभी जो पर्यायवाची हैं वो इंद्र के हैं। अगला शब्द इसमें आता है ईश्वर। ईश्वर को हम जानते हैं प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, ईशा या फिर ईश, इसको ही बोलते हैं, ईशा तो नहीं कहूँगा, ईश बोलते हैं, ईश, ठीक है, ब्रह्मा, अज, अनादि, अलख, ये शब्द इसमें अनादि, ठीक है, मतलब आदिवादि ने एकदम अनादि, बिल्कुल जिसका कोई अनंत नहीं, एक प्रकार था उस प्रकार के लिए बात कर सकते हैं अनादि से, ठीक। तो आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा इन शब्दों को, मैं फिर कह रहा हूँ। अगले शब्द इसमें कमल। कमल को बोलते हैं अरविंद, जलज, अब क्योंकि जल में रहता कमल तो जलज भी उसको बोलते हैं, सरसिज, पंकज, राजीव, शतदल, अंबुज, ठीक। किरण, किरण के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? रश्मि, मरीचि, किरण, अंशु और कर। गणेश के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? देखिए, लंबोदर। अब लंबोदर कैसे थे कि उतना मैंने एक मेरा वीडियो, अगर आपने पहले वाले सुनोगे ध्यान से, तो उसमें मैंने बताया हुआ लंबोदर, लंबा पेट वाले को बोलते हैं हम लंबोदर, ठीक है। विनायक, हर दुख विनारक, तो विनायक भी इनको बोलते हैं।
गजवदन, गणपति, एक दंत गाना तो आपने सुना होगा, एक दंत दयावंत करके, मोदक प्रिय, यानी कि मोदक खाते हैं तो मोदक प्रिय भी इनको बोलते हैं, गणपति भी आप जानते होंगे, गजदन या गज, हम हाथी को बोलते हैं तो गजवदन भी इनको बोलते हैं। घर का पर्यायवाची कौन सा है? ग्रह, गे, ठीक है, निकेतन, भवन, अनयन, आवास, सदन, निलय, ठीक, तो ये सब है घर के पर्यायवाची। आगे देखते हैं, ये शब्द है चतुर, चतुर का मतलब निपुण, मतलब भाई बहुत बहुत चतुर आदमी है, तो यानी कि निपुण है किसी काम में तभी तो चतुर हुआ, अगर निपुण नहीं हो तो चतुर कैसे हो जाएगा वो। अगला शब्द है योग्य, ठीक, बहुत योग्य होगा तभी चतुर होगा, कुशल, अधिक कुशल है तभी चतुर है, नागर, ठीक, पटु, दक्ष, प्रवीण, ठीक, तो ये जो शब्द है इसमें तीन, नागर, पटु और दक्ष, ये शब्द ऐसे हैं जिनको आप बहुत कम लोग सुनते हैं, जानते हैं, तो इन शब्दों का अधिक जोड़ दीजिएगा। अगला शब्द है चंद्र, चंद्र को आप बोलते हैं चंद्रमा, चांद, ठीक, रा का पति यानी कि रात का पति, तो उसको रा का पति बोलते हैं, निशापति, निशा को हम रात बोलते हैं तो निशापति भी है, विधु, सुधाकर और मयंक, ठीक, ये शब्द नाम है चांद के पर्यायवाची। अब चांद, चांदनी, चांद्र का क्या, चंद्रिका, ज्योत्सना, तरंगिणी, कोमुदी, चंद्रमरीचि, ये सब चांदनी के हैं। अगला शब्द देखते हैं हम जल के, जल का है पानी, वारी, तोय, नीर, सलील, अंबु और अमृत, ठीक, और इसमें सलील, अंबु, तोय, ये शब्द ऐसे हैं जो कम लोग सुन पाते हैं, कम लोगों ने सुने होंगे। अगला शब्द देखते हैं तन, तन का अर्थ है देह से, शरीर, काया, कलेवर, विग्रह, तनु, काय, वपु और गात से। अगला शब्द है यहाँ पर दास, दास का मतलब सेवक, नौकर, अनुचर, चाकर, देखो बोलते हैं नौकर चाकर, तो नौकर और चाकर दोनों वो अलग अलग हैं तो शब्द मतलब दास सही है, भृत्य, किंकर। उसके बाद अगला शब्द आता है क्या, देवता, देवता का अमर, सुर, देव, निर्जर, त्रिदेव, आदित्य, ठीक है। अगला शब्द हमारे पास नदी, नदी का बोलते हम सरिता, तटिनी, निम्नगा, निर्झरिणी, जलमाला, अपगा और नद, नौका, नौका को हम बोलते हैं नाव, तरिणी, पठानी, बेड़ा, पतंग, हालांकि पतंग थोड़ा अजीब लगता है लेकिन पतंग भी इसी में आता है। पति, देखो ये इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, पति, पति को क्या क्या बोलते हैं, पर्यायवाची क्या क्या पति के, देख लीजिए ध्यान से, पति में वल्लभ, अब किसी को वल्लभ बोलो कि मेरा वल्लभ है, अब वो बंदा सोचो पड़ता है क्या बोल के भाई वल्लभ है वो मैं आपको बता रही कि आपको आपके पति के बारे में, ठीक है। बालम, ये सभी जानते होंगे, मोरा बालम आया और तो बालम तो है ही, भरतार, ठीक है, भरता भी, ये भी ऐसे वर्ड है कि भरता, भरता बना दोगी व्यंजन का, ठीक है, बंदे का भरता बन जाता है। अधिपति, तो अधिपति देखो, अधिपति नॉर्मल चलता है, ठीक है, बालम चलता है, लेकिन बल्लम, भड़तार और भड़ता पति के संदर्भ में ये शब्द बनाए गए हैं, ठीक है, देखते हैं पत्नी के भी हो तो, देखो पत्नी के भी ले आया हूँ, ठीक, देख लेते हैं पत्नी को क्या क्या कह सकते हैं हम, हालांकि कहना मत भाई लड़ाई हो सकती है, तो पत्नी के शब्द में वधू, दारा, देखो दारा का मतलब दारा सिंह वाली बात ही है, बच के रहिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहू, बहू पत्नी को बोलते हैं, प्राण प्रिय, देखा कितना प्यार नाम है, प्राण प्रिय होती है पत्नी, तिय, वामा, भर्या, गृहिणी, अब इसमें तो कोई भी एक आपको शब्द ऐसा मिला जिससे
आपको लगे कि पति पत्नी बैलेंस है कुछ, ठीक है, हालांकि मजाक कर लेते हैं, कोई सीरियस मत लेना, ठीक। पढ़ते पढ़ते हिंदी बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत मजाक में कर देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। शब्द अगला पार्वती। पार्वती का मतलब उमा, गौरी, अंबिका, भवानी, गिरिजा, सती, दक्षसुता, अपर्णा, ये सब पार्वती के पर्यायवाची हैं। पुत्री के पर्यायवाची होते हैं बेटी, सुता, तन्या, नंदिनी, आत्मजा, तनुजा, दुहिता, ठीक है, पुत्री के। पृथ्वी देते हैं, देखिए पृथ्वी जो शब्द है इसका इंपॉर्टेंट है थोड़ा, पृथ्वी बहुत पूछा था पृथ्वी का। पृथ्वी के धरती, धरा, भू, जमीन, रत्नावली। और पृथ्वी में से देखिए तो ध्यान रखें, पृथ्वी में से रत्न निकलते हैं एक प्रकार, तो रत्नावली भी इसको बोलते हैं। धरित्री, धरित्री धारणी, पृथ्वी बहुत कुछ धारण करती है। वसुधा, वसुधा कुंभकटक ऐसे बोलते हैं, तो वसुधा भी इसका ही नाम है। पर्वत के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, भूधर, ठीक है ना, भू पे धर है, भू पे धरा हुआ है पर्वत, भी भू पे धरा हुआ आपका। गिरी, नग, एक प्रकार का नग है, पृथ्वी में से निकल गया वो पर्वत, ऐसा तो नहीं हवा से, हवा से कहीं आ गए तो पृथ्वी निकल नग कहलाएगा। शैल, क्योंकि चट्टान और शैलों से बने होते हैं। अचल, महीधर, मेरु, तुंग, फूल का पर्यायवाची का है। पुष्प, कुसुम, सुमन, पुहूप, मंजरी और लतांत, ठीक, तो ये सब फूल के हो गए। आगे देखते हैं, शब्द है पाप। पाप में आपका आएगा अधर्म, अध, दुष्कर्म, मल, दुष्कृत, ये सब आपके पाप के पर्यायवाची हो गए। अगला शब्द है प्रकाश, प्रभा, छवि, घुति, ज्योति, चमक। अब जो शब्द यहाँ पर आता है घुति, ठीक है, धुति इसको बोलते हैं, तो ये शब्द थोड़ा अजीब है, लेकिन प्रकाश का ही शब्द है, तो इसलिए मैं इसको गोला मार दिया कि आप लोग इस शब्द को खास तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि तो प्रकाश के बारे में पूछ लेते हैं। पक्षी, पंछी, विहग, खग, पखेरू, परिंदा, चिड़िया, अंडज, पतंग, क्योंकि पक्षी अंडे देता है इसलिए अंडज। बाण, बाण का शर, तीर, शिलीमुख, नाशाचर या फिर नाराच, इशु। बुद्धि शब्द है, बुद्धि को धी बोलते हैं, धी। मति, तेरी वो कहते हैं तेरी मति मारी गई है क्या, तो मति उससे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। मेधा, बहुत मेधावी छात्र है बोलते हैं ना, या फिर बहुत मेधावी छात्रा है, तो मेधा को भी बुद्धि बोलते हैं। प्रतिभा, क्या प्रतिभा है इसकी, उस प्रकार से। प्रज्ञा, वाह क्या प्रज्ञावान व्यक्ति है, तो सब बुद्धि के लिए आते हैं। बिजली, देखो चंचला कहते हैं ना भाई, बिजली की तरह तीर बहुत चलता है इंसान है, चंचला बोलते हैं। चपला, दामिनी, सुदामिनी, प्रभा, विद्युत, क्षण प्रभा। भ्रमर यानी कि भौरा, मधुकर, भ्रंग, अली, पष्टपद, मधुप, भवरा। अगला शब्द है मेघ, के बादल, जलधर, वारिद, पयोद, नीरद, तोयद, अंबुज, ठीक। अगला शब्द है मयूर, के मोर, भुजंग भोगी, ठीक है, शिखी और केरी। भुजंग भोगी क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन है, आप लोगों को बता पाए तो बताइएगा, ना मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी छोटी। मछली, मछली को हम क्या बोलते हैं, मत्स्य। शंकुची, झर, मीन, मकर, अंडज,
जल जीव। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, पक्षी को भी आप पंडित जी बोलते हो और मछली को भी बोलते हो, क्योंकि मछली भी अंडे देती है, ध्यान रखना। रात, रात को रात्रि, निशा, यामिनी, रजनी, विभारी और तमसा, ठीक, ये सब रात के शब्द हैं। राजा, राजा का अर्थ है भूमिपति या फिर भूपति बोलो, भूमिपति के भूपति, भूप, महीप, नरपति, नरेश, नरेंद्र और अधिपति, ये सब राजा के हैं। वसंत, ऋतुराज, ऋतुपति, मधु, बहार। सर्प, सांप, भुजंग, अही, विषधर, बयाल, पनंग, नाग, ठीक। समुद्र, सागर, जलधि, परावा या फिर पारावार, परावा तो नहीं, पारावार, ठीक है। सिंधु, सागर को हम सिंधु बोलते हैं, सिंधु देखो अकेली नदी भी है, और सिंधु नदी कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में आप लोगों मेरे को बताइए। निर्धिर, उधिर, पयोधि। सरस्वती, सरस्वती के पर्यायवाची क्या क्या है, भारती, भाषा, वाचा, वाणी, गिरा, शारदा, इला, वागीश, ठीक। और ये जो शब्द है सरस्वती, इसको जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरस्वती शब्द अच्छा खासा है, इसमें ऐसे शब्द दिए हुए जिससे गलती कराने के बहुत चांसेस आते हैं, तो उठा के ही दे देते हैं सरस्वती शब्द को। अगला है सूर्य, तो सूर्य का पर्यायवाची बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सूरज, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, दिनकर, मार्तंड, अंशुमाली, ठीक। सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, आपने बचपन में पढ़ी होगी ना कविता, कनक को कबूतर वाले से बंद रहता है वो, ठीक। कनक, तिल्लियों का बना ये पिंजरा, पसंद नहीं आजाद पंछी को। हिरण्य, देखो सोने को हम हिरण्य बोलते हैं, अब हिरण्य क्यों, ठीक है, वो जो आपने रामायण पढ़ी होगी तो उसमें वो सोने का मृग बन कहा जाता है, तो उसलिए उसको हिरण्य बोलते हैं आपसे, ठीक। रतन, जात रूप, हाटक, ठीक। अगला देखते हैं शब्द है सिंह, शार्दूल, पंचमुख, वनराज, जंगल का राजा होता है तो वनराज, मृगेंद्र, केशरी, केहरी। सुंदर, सुंदर का मतलब चारु, सुहावना, मनोहर, रमणीक, कमनीय, ललित, ललाम। शब्द अगला स्त्री, स्त्री का हम अबला, शब्द तो जानते होंगे आप, अबला, नारी, ठीक है। ये नया शब्द थोड़ा, वनीता बहुत कम लोग जानते हैं, महिला सब जानते हैं, ललना कम जानते हैं, कांता कम जानते हैं और रमणी कम जानते हैं, ठीक। अगला शब्द है स्वर्ग, सुरलोक। स्वर्ग को आप बोलते हैं नाक, नाक भी आप देखो नाक, अब ये नाक को सोचता है कि भाई ये जो नाक है उठा कर दे देंगे, अभी स्वर्ग का पर्यायवाची बताइए, वहां शब्द डालेंगे नाक, अब सोचेंगे अभी नाक कैसा आ सकते, तो गंदी चीज है छी, नहीं, तो नाक को ध्यान रखेगा बहुत। दिव, अवरोह, देवलोक, ठीक है। शिक्षक, गुरु, आचार्य, अध्यापक, उपदेशक, उपाध्याय, आदेशक, और देखिए क्योंकि ये टीचर एग्जाम है तो शिक्षक जो शब्द है, शिक्षक इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। शंख, समुद्र, क्योंकि शंख समुद्र से मिलता है आपको। जलज, समुद्र में जल होता है, जल से। सुनाद, क्योंकि उस सुरंग सी होती है उसमें सुनाद में छेद होता है ऐसा करके, ठीक है। कम्बू, महानाद होता है ना, एकदम पों करके बजाते हैं उसको, तो महानाद ऐसे बहुत महानाद उसमें निकलती है। कम्बू मतलब भाई इसको मैं आपको देख रहा हूँ डिफाइन कैसे करूँ, आप भी कहेंगे सर क्या कह रहे हैं, तो कम्बू को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके, ये सब आपको कुछ शब्द हो गए,
ठीक है, इनको हम कह सकते हैं कि भी आपको काफ़ी सारे तकरीबन 50 शब्दों के मैंने पर्यायवाची बता दिए, और वो एक दो क्वेश्चन आपसे करने वाले हैं पर्यायवाची के संदर्भ में। तो अगर इनको आप अच्छे से तैयार कर लो तो शायद ही कोई शब्द इससे बाहर आपका जाए, और कुछ शब्द मैंने आपको ऐसे बताए भी हैं कि जिनसे आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा सही है, कौन मतलब कौन से पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक, तो उनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि देखिए ज़्यादा मेहनत आपको करने नहीं है। बहुत से शब्द ऐसे जिनके अर्थ आप लोग जानते ही हैं पहले से, तो उनको आप एक बार पढ़ ही लीजिएगा, बाकी सब थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए और इस प्रकार की वीडियो लाने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल ये वाला वीडियो का हमारा अंत यहीं पर होता है, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।